दोस्तों आपको अपनी जीमेल आईडी आपको अपने सिस्टम में अपने मोबाइल में खोल लेनी है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे जो लोगो दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ रहा है यूट्यूब स्टूडियो पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आ रहा है नेम, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है नीचे हैंडल। तो यहाँ पे मुझे चैनल का नाम ही चेंज करना है, जिस नाम से अपना चैनल बनाना चाहते हो आप वो बना लेना। और नीचे आ रहा है चूज हैंडल का, तो आपको अपने चैनल के नाम का ही आपको हैंडल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा इस नाम से कोई हैंडल नहीं है, तो मुझे यहाँ पे मिल गया इजीली। अगर आपका ऑलरेडी होगा तो आपको नहीं मिलेगा, आप आगे नंबर भी लगा सकते हो या कोई दूसरा चैनल का नाम रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ये रख लिया है। तो आपको लोगो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है योर चैनल, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आगे का प्रोसेस आपको हम बताते हैं। थोड़ा सा हमारा नेट स्लो है, थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ पर आ रहा है देखिए कस्टमाइज चैनल और यहाँ पर मैनेज वीडियो। तो आपको मैनेज वीडियो पर क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, वेलकम टू यूट्यूब स्टूडियो। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे सिंपली सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे चैनल पे जाना है। चैनल पे जाना के यहाँ पे आप आ रहा देखिए आपका जो कंट्री कौन सा है वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो आप इंडिया सेलेक्ट कीजिए, अगर आप किसी अदर्स कंट्री से हो तो आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे जैसे मैंने इंडिया सेलेक्ट कर ली अपनी, और यहाँ पे देखिए आ रहा है नीचे कीवर्ड कि आपका चैनल किस टॉपिक पर बनेगा। जैसे आपका टैग चैनल है या आपका ब्लॉगिंग चैनल है या आपका फूड का चैनल है, तो उसी से रिलेटेड आप टैग डालिए। टैग डालने के बाद यहाँ पे आ रहा है एडवांस सेटिंग। तो यहाँ पे आपका वीडियो मेड फॉर किड है या नहीं है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए यस नो आ रहा है, तो आप यहाँ पे जो भी करना चाहो कर सकते हो। और यहाँ पे एडसेंस लिंक हमें अभी नहीं करना है। और यहाँ पे कैप्शन आ रहा है फ्यूचर एलिजिबिलिटी पे आपको क्लिक करना है। तो दूसरे वाले को इनेबल करने के लिए यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आ रहा है वेरीफाई फोन नंबर, तो आपको अपना नंबर वेरीफाई कर लेना है यहाँ पर। तो सिंपली यहाँ पे देखिए नया विंडो खुल के आ गया। आप किस कंट्री से हो यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करनी है आपको, और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल लेना है अपना। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे गेट कोड पे क्लिक करना है आपको। तो आपका जो नंबर है उस पे एक OTP जाएगा 6 डिजिट का, तो वो यहाँ पे आपको डालना है। तो यहाँ पे देखिए कोड डालने के बाद यहाँ पे आ रहा है सबमिट, सबमिट पे आपको क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है फोन नंबर वेरीफाइड। और तीसरा इनेबल करने के लिए आ रहा है यहाँ पे वीडियो वेरिफिकेशन वैलिड आईडी और चैनल हिस्ट्री। तो यहाँ पे पहले मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपके पास आ गया यूज वीडियो वेरिफिकेशन, यूज योर वैलिड आईडी, यहाँ पे वैलिड चैनल हिस्ट्री। तो यहाँ पे आपको डन कर देना है। और यहाँ पे इस नीचे आ रहा है सेव का ऑप्शन, यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पर सेव कर देना है। तो आपको फिर से सेटिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है अपलोड डिफॉल्ट, यहाँ पे आ रहा है बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपको विजिबिलिटी कैसी रखनी है, प्राइवेट या पब्लिक या अनलिस्ट रखनी है। यहाँ पे टैग भी लगा सकते हो। फिर आपको एडवांस पे क्लिक करना है। एडवांस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है वीडियो लैंग्वेज, आपका वीडियो किस लैंग्वेज में है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए। हिंदी में है आपकी हिंदी कीजिए, अगर इंग्लिश में तो आप इंग्लिश कीजिए। फिर यहाँ पे आ रहा है टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, तो आपकी यहाँ टाइटल किस भाषा में है वो यहाँ पे आपको फिल करना है। यानी हिंदी में आपका भाषा है तो आप हिंदी कीजिए, इंग्लिश में है तो इंग्लिश कीजिए। और फिर नीचे आ रहा है यहाँ पे कमेंट, ठीक है, कमेंट पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे अलाउ पे कमेंट करना है, ठीक है। अलाउ करने के बाद यहाँ पे आ रहा है सो हाउ मैनी व्यूअर्स लाइक दिस वीडियो, यानी जो आपका लाइक है और डिसलाइक है वो आपको शो करना है या नहीं करना है। और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है परमिशन, यहाँ पे देखिए परमिशन आपने किस किस को दे रखी है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर नीचे आएगा कम्युनिटी, और यहाँ पे एग्रीमेंट, यहाँ पे आपका कोई एग्रीमेंट नहीं है, यानी आपका चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है, यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं आया है। तो यहाँ पे सिंपली आपको नीचे सेव पर क्लिक कर देना है। फिर आपको कस्टमाइजेशन पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आ रहा है चैनल ट्रेलर, इस पर आपको ऐड पे क्लिक करना है। हमारा यहाँ पे कोई वीडियो अपलोड नहीं है, इसलिए हमारा कोई वीडियो नहीं आ रहा है। फ्यूचर वीडियो फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर, यहाँ पे भी मेरा कोई वीडियो अपलोड नहीं है इसलिए नहीं शो कर रहा है। और यहाँ पे नीचे आप चाहो तो इसको रिमूव कर सकते हो, और यहाँ पे ऐड सेक्शन भी कर सकते हो। फिर आपको ब्रांडिंग पे क्लिक करना है, यहाँ पे आ रहा है अपलोड लोगो। तो यहाँ पे मैंने अपना लोगो बना रखा है पहले से, तो यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ उसको। तो यहाँ पे देखिए इसका साइज आपको सेट कर लेना है अपने हिसाब से, और यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारा यहाँ पे अभी पब्लिक नहीं किया मैंने, और यहाँ पे आ रहा है जो चैनल आर्ट होता है वो हमारा बना हुआ पहले से। तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ इसको। ओपन करने के बाद हमारा ये पहले से सेट है बिल्कुल, तो हमें यहाँ पे सिंपली यहाँ पे डन पे क्लिक करना है। और नीचे यहाँ पे आ रहा है देखिए जो आपका वाटर मार्क है वो यहाँ पे आपको क्या लगाना है वो यहाँ पे आप लगा सकते हो। मैं जो भी यहाँ पे अपना लोगो ही लगाना है, तो यहाँ पे मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ, और आपका PNG होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको डन कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पे देखिए आ रहा है एंड ऑफ वीडियो कस्टम
स्टार्ट टाइम और एंटर्ड वीडियो। तो आपको एंटर्ड वीडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पब्लिश पे आपको क्लिक कर देना है। पब्लिश पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ रहा है विजिट चैनल। तो यहाँ पे देखिए हमारा चेंज हो चुका है, बिल्कुल प्रोफेशनल चैनल बन चुका है। जो बड़े लोग चैनल बनाते हैं सिंपली वैसा चैनल बन चुका है। अब यहाँ पे सिर्फ हमारा वीडियो अपलोड होना बचा हुआ है। तो वीडियो अपलोड कैसे करते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा।